देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खाते में पैसे भेजने की बात थी, और इस पर देख सकते हैं आप कि जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पे डाकघर में आई हुई थी, सिवान के प्रधान डाकघर में आई हुई थी। तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। प्रधान डाकघर जो है उनके लोगों के द्वारा कुछ जानकारी भी इन्हें नहीं दी जा रही है। इन लोग से हम बात करेंगे कि आखिरकार ये लोग इतनी संख्या में कहाँ पे आप लोग आए थे। अतरसुआ से आए हैं सर। अतरसुआ से किस लिए? क्या ये मोदी का पैसा जो है, बता रही थी लोग की मोदी पैसा भेजे हुए हैं चलो लेने के लिए, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो कितना पैसा भेजे, क्या पता है आपको? अभी हमको ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लग रहा है मेरा गैस का पैसा इसी पर आ रहा है। अच्छा, गैस का पैसा इसी पर आ रहा है, इसलिए मैं हमको मेरा पैसा मिल गया। तो क्या हुआ, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? मेरा मिल गया है। कितना मिला है? मेरा मेरे खाते पर 3200 था, 2000 लिए हैं, 1200 छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो गांव से अतरसुआ से कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? हम लोग पूरा आदमी हम लोग अतरसुआ से। कितने लोग? 20 आदमी तक। 20 आदमी। आप बताइए कहाँ आप लोग आए हुए हैं? ये मोदी के खाता पर पैसा उठाने के लिए। अच्छा, तो मिला ना? क्या हुआ? नहीं आई। कहाँ आप लोग गए थे? यही पे था तो ना मिला। क्या बोला है लोग आपको? कहते नहीं आई। क्यों नहीं आया बताया हम लोग? हाँ नहीं आएगा। आप बताइए क्या क्या हुआ? पैसा लेने आए हैं हम लोग मोदी वाला, तो अभी नहीं आया हमारे पर पैसा। पैसा नहीं आया है? तो आपको कौन बताया था कि आपके खाते में पैसा आया है? पता है क्या, जाने से चेक होता है तो कोई को मिल रहा है कोई को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बैंक में अथी डाकघर में आप लोग से बातचीत हुई है? हाँ। तो क्या आप लोग पूछे हैं कि क्या हुआ, पैसा आया कि नहीं? अब मैं ये थी आई हाला हुआ तो आप ये थी यहाँ मोदी ने पैसा भेजा से जाकर उठाइए, नहीं मिला। किस चीज़ का पैसा भेजा है पता है आपको? पता तो नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जो कि अतरसुआ से आई हुई हैं। देख सकते हैं आपकी जो एक कहा गया था सरकार के द्वारा 20 तारीख के बाद, अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और जो डाकघर के लोग हैं उनके द्वारा भी नहीं बताया जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग होकर के आना है, भीड़ नहीं लगानी है। आप बताइए कहाँ पर आई हुई थी? पैसा उठाएल। कहाँ पे? यही पर। कहाँ? डाकघर में। तो क्या हुआ? नहीं खे आई। क्या बोला है लोग वहाँ पे? कहते लोग के नहीं खे आई। तो आपको पता है ना कि लॉकडाउन है और खा भीड़ नहीं लगाना है, आप लोग भीड़ लगा करके और चली हैं वहाँ से है? कोरोना से बचना है कि नहीं बचना है? बचना है। तो फिर तो भीड़ लगाना है? नहीं। तो आप लोग एक साथ 20-25 की संख्या में? ना, हम अकेला ही आए, दो आदमी आए। कहाँ से आई हैं? मुंबई से। देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए यहाँ पे भी कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। हालांकि हम डाकघर के तरफ भी चलेंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे, तो सोशल डिस्टेंस का थोड़ा भी ख्याल नहीं है, और डाकघर के अधिकारियों को बताना चाहिए। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? कहाँ से आई हैं आप? महुगारी से। किस लिए? पैसा चेक कराने। मिल गया? ना, नहीं मिला। ना। देखिए कुछ और महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, और इनका कहना था कि हम लोग आए हुए हैं, पैसा जो है मोदी के द्वारा आया हुआ है उसको लेकर के हम चलेंगे डाकघर की तरफ, वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल रखा गया है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी सिवान के प्रधान डाकघर में। कुछ महिलाओं को यह सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आपके खाते में पैसे भेजे गए हैं, और उसके बाद से प्रधान डाकघर में कुछ महिलाएं अतरसुआ उखई, यानी कि सिवान के आसपास के इलाके से महिलाएँ आई हुई थी। देखिए कुछ ये भी महिलाएँ हैं, और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ये किस लिए घर से बाहर निकली हैं, किस लिए आप लोग निकली हुई हैं? सर पैसा के लिए। किस चीज़ का पैसा? मोदी सरकार। मोदी सरकार का क्या पैसा, क्या जानकारी है बताइए ना? कितना पैसा आना था, क्या आना था, किसने? अभी नहीं आया है सर, चेक करा कर जा रहे हैं। नहीं आया है? नहीं आया है। तो आपको किसी ने सूचना दिया होगा ना कि आपके खाते में पैसा है, तो आप यहाँ पे आई थी? चेक कराने आए थे सर। चेक कराने? तो आपको पता है ना कि लॉकडाउन में और भीड़ लगा कर नहीं निकलना है? हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे तो भीड़ देखा जा रहा है एकदम, महिलाएं जो है। सर आज तो हम पहला रोज आए हैं। पहला हो या दूसरा हो, लेकिन कोरोना से बचना है ना? जी सर। तो भीड़ तो नहीं लगाना है? नहीं लगाना है अभी। कहाँ से आई हुई हैं आप? खालिसपुर से।
खालिसपुर की ये महिलाएं हैं और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सिवान के प्रधान डाकघर के से जो महिला निकल रही हैं, इनसे बात करेंगे, डाककर्मी यहाँ पे हैं। यहाँ से देखा गया है कि प्रधान डाकघर से जो महिलाएं निकल कर जा रहे थे, 30-40 की संख्या में सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई है। देखिए, हमने जो है घेरा बनवा के रखा हुआ है, इनको गार्ड लगा दिया है, उस घेरे के अंदर इनको रहना है और हर गांव में जो है पेमेंट बैंक का पैसा देने का सुविधा है, फिर भी वहां के प्रशासन के द्वारा छूट दिया। बीच में आपको रोकेंगे, आप देख सकते हैं तमाम भीड़ यहां पे और किस तरह से यातायात प्रभारी के द्वारा इस भीड़ को हटाई जा रही है। महिलाएं की भीड़ आप देख सकते हैं कि मोदी के द्वारा, जैसे कि इनका कहना है कि पैसे भेजे जा रहे थे और डाकघर के लोगों के द्वारा बताए भी नहीं जा रहे थे, और यहाँ देखिए जब यातायात प्रभारी यहाँ पर आए तो उन लोगों के द्वारा जब इन लोगों को समझाया गया तो ये लोग जाने लगे। ये डाकघर के कर्मियों को बताना चाहिए कि आपको यहाँ पे भीड़ नहीं लगानी है। हम शाहजहां खान से बातचीत करेंगे कि आप लोग जब यहाँ पे आए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, आप लोगों के समझाने के बाद लोग हटे, तो क्या बैंक डाक कर्मियों को क्या करना चाहिए? इसमें लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, उनको आप जब बताए हैं उनको भी समझाना चाहिए कि एक एक आदमी आए और सोशल डिस्टेंस पर आए रखें, उनको कुछ इस किस्म का उनको डायरेक्शन देना चाहिए ताकि भीड़ ना लगे। तो आप यहाँ पे आए हैं, महिलाओं की भीड़ थी, आपने क्या कुछ डायरेक्शन दिया? अब डायरेक्शन दे रहा हम वही समझा रहे हैं कि अपना दूरी बना बना के खड़े हों। जाहिर तौर पे ये ट्रैफिक इंचार्ज है शाहजहां खान, जब यहाँ पे भीड़ थी तो ये आए लोगों को समझाएं। अब फिर हम चलेंगे यहाँ पे जो प्रधान डाकघर के जो एक पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे कि सभी लोगों से गुजारिश है, बहुत भीड़ थी, उनका काम हो गया, देखा गया कि उनका काम है, आप लोग बता नहीं रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सारा बता दिया। सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए हम लोगों ने घेरा बना रखा है, उस घेरे के अंतर्गत इन लोग को रहना है, उस घेरे के अंतर्गत रह के बारी बारी से वहाँ गार्ड लगा हुआ है, मेरा गार्ड बुला रहा है, एक एक आदमी जा रहा है अंदर। ये पेमेंट बैंक का भीड़ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ये सारे जो है यहाँ सिवान जिले में सुविधा है हर डाकघर में, लेकिन ये लोग जो है वहाँ से देखिए जो है खुला, आप सामने देखिए जो है सर, वहाँ से लोग चला आ रहा है, लोग उधर आके यहाँ जो है भीड़ लगा रहा है जो है, लेकिन फिर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने गार्ड लगाया है, बारी बारी एक एक आदमी जा रहा है, जिसका पैसा आ रहा है वो पैसा अपना प्राप्त कर रहा है। यानी कि अगर ये लोग चाहें तो अपने गांव में भी ले सकते हैं। अपने गांव में हर जगह सुविधा है, हमारे जिले में जो है सर 37 पोस्ट ऑफिस है, 37 पोस्ट ऑफिस का ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, वहां से ये लोग जाके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तब तो ये लापरवाही उनकी कही जाएगी। सर वहाँ का जो है प्रशासन, लोकल प्रशासन वहाँ का छूट दे रहा है, वो लोग यहाँ से आ रहा है हमारे यहाँ। सर देखिए, आप देख लीजिए, इसके अंदर भी देखिए, अंदर भी बैरिकेडिंग हमने बनाया है, गार्ड लगा रखा है, सारे गार्ड को लगा रखा है। आप अपना नाम बता दीजिए। ध्रुव कुमार वर्मा, पोस्ट मास्टर सिवान। ध्रुव कुमार वर्मा पोस्ट मास्टर सिवान है। जाहिर तौर पे देखिए, हम आपको दिखा दें कि जैसे इनका कहना था, यहाँ पे एक घेरा बना दिया गया और इसी घेरे में महिलाओं को खड़ा कर दिया गया है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए। और एक इन्होंने बड़ी बात बताई है कि जो महिलाएँ जो आ रही हैं यहाँ पे पेमेंट्स के लिए, उनके गांव में भी वहां भी सुविधा है, कई जगहों पे बताया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के स्थानीय पुलिस को उन्हें रोकना चाहिए, मगर वो नहीं रोक रही है, जिसको लेकर के ये लोग प्रधान डाकघर में आ जा रही हैं और यहां पे भीड़ लगाया जा रहा है। जब यहां से ये लोग जा रहे हैं तो काफ़ी भीड़, एक साथ कई महिलाएँ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और ऐसे में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा, और जो महिलाएँ जो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, अगर वहाँ पे इस तरह की सुविधा है तो वो सुविधा उन्हें वहाँ मुहैया करानी होगी, जिस तरह से जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का काफ़ी ख्याल रखा गया है। तो जाहिर तौर पे इनके द्वारा तो ख्याल रखा गया है, लेकिन जो ग्राहक आ रहे हैं, अगर उनके द्वारा ख्याल नहीं रखा गया तो इस महामारी से हम लोग शायद नहीं बच सकते हैं। जिस तरह से सिवान अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ लोगों का भी देन है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जो महिलाएँ हैं, उन्हें वहीं रोक करके जब सुविधा है तो वहाँ मुहैया करानी होगी, तब जा करके इस सोशल डिस्टेंस का जो नियम का पालन होगा बखूबी उस अंदाज में किया जा सकता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।